हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीटी वर्सेस डीडी मतलब तिरुपुर तमिजांस एंड डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच में टीएनपीएल का आज दो मैचेस में से जो आज फर्स्ट मैच खेला जाएगा उसी के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक सवाल आपको करना चाहूँगा, जिसका जवाब आप खुद को खुद ही दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आप विथ प्रॉपर स्टैट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज जो हम हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, उसको यूज़ करके खुद का टीम खुद बना के हारना या जीतना पसंद करेंगे, एंड सेकेंड, या फिर किसी दूसरे टीम प्रोवाइडर जो आपको टॉस के बाद फाइनल टीम प्रोवाइड करता है 11 प्लेयर एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, उसको अंधाधुंध अब यूज़ करके हारना या जीतना पसंद करेंगे। अब देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करते हैं, तो उसमें आप अगर हमारे दिए गए स्टैट्स इन्फॉर्मेशन, हमारे छोड़िए किसी का भी दिए गए प्रॉपर स्टैट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को यूज़ करके अच्छा खासा टीम बना के विन करते हैं, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है खुद के अंदर कि हाँ, मैं खुद के टीम बना के भी जीत सकता हूँ। बट अगर आप उसमें हारते भी हैं ना, तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपने पूरा मेहनत किया था इस टीम को बनाने के पीछे। कभी कभी हार जीत लगा रहता है, बट अगर आप हारते हैं तो आप दुख नहीं होता, उसके साथ साथ आप सीखते हैं कि कौन सा गलती मैंने इस मैच में किया इतना मेहनत करने के बाद भी कि मैं हार गया। तो वो गलती आप नेक्स्ट मैच में दोहराने का कोशिश नहीं करते, आप सुधारने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैच में कुछ और गलती हो सकता है, तो ऐसे ही आप इम्प्रूव होते जाते हैं मैच बाई मैच, और एक टाइम पर आप एक्सपर्ट टाइप बन जाते हैं। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करते हो, जहाँ पे ये था कि आप किसी टीम प्रोवाइडर या फिर एक्सपर्ट से 100% टीम लोगे, 100% मतलब 11 प्लेयर्स विद कैप्टन वाइस कैप्टन वाला टीम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको लगा के आप विन करोगे या फिर लूज़ करोगे। अब देखो, इसमें आपका भलाई नहीं है कुछ भी। आप 2-3 मैच 4 मैच तो जीत जाओगे 10 में से, एंड उससे आप थोड़ा बहुत विन भी कर लोगे। बट अगर आप हारोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि टीम कॉम्बिनेशन में गलती क्या था, क्या गलती मैंने किया जो मुझे नेक्स्ट मैच से नहीं करना है। नेक्स्ट मैच में अगर वो कोई फ्लॉप टीम देगा, आप फिर से हारोगे। उसके बाद वाले मैच में कोई फिर से फ्लॉप टीम देगा, आप फिर से हार जाओगे। बट आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्यों हार रहे हो, कहाँ पे गलती है, बट पैसे आपका लॉस हो रहा है। चाहे वो आपसे पैसे ले रहा है टीम देने के लिए या फिर नहीं ले रहा है, वो आपका कोई भला नहीं कर रहा। तो ऐसे तो चलने से रहा, तो इसलिए आपको खुद का टीम खुद बना के अच्छा खासा अमाउंट विन करना सीखना है। कैसे हम सटीक टीम कॉम्बिनेशन बनाना सीख सकते हैं, कैसे हम अच्छा खासा स्टैट्स एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे वीडियोस के द्वारा सिखाता हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए या फिर ना जुड़िए। मुझे बिल्कुल भी ये बोलने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ता कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, टॉस के बाद फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगा। मैं कोई फाइनल टीम ही प्रोवाइड नहीं करता, मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि मैं घंटा एक्सपर्ट हूँ। मुझे टीम बनाना ही नहीं आता, मुझे जितना आता है वो है आपको सटीक से सटीक मैच के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप उसको यूज़ करके अच्छा खासा फैंटेसी टीम खुद से बना सकते हो, खुद का ब्रेन लगा के अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हो, समझ लो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल राइट, वी आर ऑल सेट टू गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जान लेते हैं, ये मैच होगा दोपहर के 3:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, वेन्यू MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। चेन्नई के ग्राउंड पे ही सारा का सारा TNPL इस साल का खेला जा रहा है कोविड के वजह से, आपको पता ही होगा। अब देखो, ग्राउंड स्टैट्स से हम शुरुआत करते हैं। ग्राउंड स्टैट्स से हम शुरुआत करेंगे, पहले हम देखेंगे T20 डोमेस्टिक मैचेस का स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे T20 डोमेस्टिक मैच मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, IPL के जितने भी CSK के मैचेस होते हैं वो सब, एंड TNPL के सारे मैचेस जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे 112 मैचेस हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 60 बार जीता है, बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 50 बार जीता है। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का थोड़ा सा फेवर रहता है, क्योंकि पिच सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर केसेस में स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और बाई एनी चांस अगर फर्स्ट इनिंग में 180-190 तक स्कोर हो जाता है, तो सेकेंड इनिंग में वो चेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप बैटिंग फर्स्ट को थोड़ा सा फेवर दे सकते हैं, अब तक हमें यही समझ में आया। बट ये चीज़ आपको नीचे जाते जाते थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मैं देने वाला हूँ।
एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 158। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देख लेंगे ना तो स्कोर बिलो 150 बना है 42 टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा है। 150 एंड 169 के बीच में 36 टाइम्स बना है। तो ये दोनों रेंज में ही ना ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे स्कोर होता है, या फिर 150 के नीचे, मतलब 140, 135 एंड कभी कभी वो डिफेंड भी हो जाता है, समझ लो। बाकी 150 टू 169 यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, एंड यहीं पे सेकंड हाईएस्ट स्कोर हुआ है, मतलब 36 टाइम्स आप जैसा देख सकते हो। बाकी 190 के नीचे भी 17 बार गया है एंड 170 प्लस भी 17 बार हुए हैं। बाकी दोनों टीम का इस साल TNPL में पॉइंट्स टेबल में पोजीशन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच है दोनों टीम्स के लिए ही। क्यों? क्योंकि दिंडीगुल ड्रैगन्स फोर्थ पे अटका हुआ है, इनको सेमीफाइनल में जाना है, मतलब टॉप फोर में जाना है। तो ये मैच इनको जीत के अपना जो टॉप फोर का पोजीशन है वो लगभग सील कर लेना है, और वो ये करना भी चाहेंगे। बाकी ITT जो कि त्रिपुर तमिजांस है, सेवन्थ पोजीशन पे है, बट अगर ये मैच जीतते हैं तो डायरेक्टली टॉप थ्री या टॉप फोर तक पहुंच जाएंगे। तो दिंडीगुल ड्रैगन्स उस टाइम पे नंबर 5, नंबर 6 तक नीचे आ सकते हैं। तो दिंडीगुल ड्रैगन्स बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये मैच अपने हाथ से जाने दे या नंबर 5, नंबर 6 पे आ जाए। बाकी त्रिपुर तमिजांस चाहेगा कि खुद जीत के जो नंबर 7 पे है, नंबर 3, नंबर 4 पे आ जाए, समझ लो। बाकी पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैचेस दिंडीगुल ड्रैगन्स 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, एक भी मैच इनका बारिश की वजह से वेस्ट नहीं हुआ। बाकी त्रिपुर तमिजांस का एक मैच बारिश की वजह से वेस्ट हुआ था, बाकी उन्होंने 2 जीता है, 3 हारा है, दोनों ही 6-6 मैचेस खेले हैं। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि बोथ टीम्स विल वॉन्ट टू विन टू सिक्योर अ प्लेस इन टॉप फोर एज इट इज़ देयर लास्ट गेम इन द ग्रुप स्टेज। जो ये ग्रुप स्टेज का मैच हो रहा है ये इन दोनों टीम्स के लिए लास्ट मैच है, इसके बाद इनमें से कोई सेमीफाइनल में खेलेगा, ठीक है। तो दोनों ही टीम चाहेगा टॉस जीत के अच्छा खासा जो है रन बोर्ड पे दे दे एंड उसके बाद टारगेट को डिफेंड कर ले या फिर चेस कर ले अगर बैटिंग सेकंड कर रहे तो, क्योंकि मैच जीतना दोनों टीम्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं दिंडीगुल ड्रैगन्स का इस साल कैसा क्या हाल रहा है, कैसा इनका स्कोरिंग पैटर्न रहा है, ऑन एन एवरेज ये कितना स्कोर बनाते हैं एंड कितना विकेट्स गवाते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैच जो उन्होंने खेला था 96 पे ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद काफ़ी अच्छे कमबैक किए 202 पे 5, उसके बाद 149 फॉर 5, 185 फॉर 6, 135 फॉर 8, 147 फॉर 5। ये जो 3 मैचेस जीते हैं उनमें से 2 बैटिंग सेकंड करते हुए जीते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, 1 बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं। तो थोड़ा सा ये चेस करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि 2 मैचेस जो 3 मैच वो जीते हैं उनमें से 2 मैचेस ये बैटिंग सेकंड करते हुए जीते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। सेकंड, ये ऑन एन एवरेज 145 टू 155 इस रेंज पे स्कोर करते हैं एंड ऑन एन एवरेज 6-7 विकेट ये लूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका स्कोरिंग पैटर्न रहा है इस साल। बाकी अगर आप देखेंगे नीचे तो मैंने लिख के रखा है प्रेफर चेजिंग, बट इज़ द पिच फेवरेबल इनफ फॉर चेजिंग नाउ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 20 प्लस मैचेस हो चुके हैं सेमी ग्राउंड पे। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट पिचेस है, 2-3 पिच आपको देखने को मिलेंगे, बट क्या इतने मैचेस हो जाने के बाद कोई भी पिच पे चेजिंग करना उतना फेवरेबल रहेगा, वो हम नीचे देखेंगे। अच्छा, TNPL के मैचेस में जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उनमें से कितने मैचेस बैटिंग सेकंड टीम जीते हैं, मतलब कितने मैचेस चेस करने वाला टीम जीता है, वो हम इससे पता करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा यही कन्फ्यूजन था कि इस पिच पे क्या चेजिंग अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अच्छे से देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट मैच था, मतलब लास्ट 10 मैचेस जो मैंने लिखा है उसका फर्स्ट मैच, ठीक है, वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता, उसके बाद बैटिंग सेकंड, फिर बैटिंग सेकंड, बैटिंग सेकंड, यहाँ पे 2 बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद सारा का सारा बैटिंग सेकंड, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट। लास्ट वाला जो मैच यहाँ पे खेला गया था जो कि कल हुआ था, वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता था। उसके पहले वाले के 9 मैचेस में से ज़्यादातर मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है, मतलब चेज अभी भी हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो नीचे अगर आप देखेंगे लास्ट 10 मैचेस में से 6 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है एंड सिर्फ 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, ठीक है। कंक्लूजन यही निकलता है इससे, स्टिल फेवर्स चेजिंग अ बिट, अभी भी थोड़ा बहुत चेजिंग को फेवर कर रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। इफ़ बैट फर्स्ट विंस बाई एनी चांस देन मोस्टली 9-10 विकेट्स शुड फॉल इन द सेकेंड इनिंग, मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम अगर जीतता है वो तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आएगा,
और अगर फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम जीत रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आ रहे हैं वो चेज़ नहीं कर पा रहे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकेट गिर रहा है। ठीक है, तो अगर आप बैटिंग फर्स्ट को थोड़ा सा फेवर करके टीम बनाते हैं, अगर आप 11 टीम बनाते हैं ग्रैंड लीग में, उनमें से 2 से 3 टीम ज़रूर से ऐसे बनाइएगा जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है उनके फेवर में। बैटिंग फर्स्ट कर रहा है अगर उनका जो बॉलर होगा जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा, चांसेस ज़्यादा होगा कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगा उनको ऑल आउट कर दे और उनके सारे के सारे विकेट्स वो ले जाए। तो फिर बैटिंग जो फर्स्ट कर रहे हैं उनके जो बॉलर्स हैं उनको आप CVC ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। अब ये तो हमने जान लिया कि यहाँ पे चेजिंग अभी भी हो रहा है। अब जान लेते हैं डिंडीगुल ड्रैगन्स लास्ट 3 मैचेस में कौन से प्लेयर कैसा किया है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मुझे पूरा पढ़ने का कुछ मतलब बनता नहीं है तो आप देख लीजिएगा। हरी निशान इनके प्रीमियम बैट्समैन हैं जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, 52-39 लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे पर रोज़ाना फ्लॉप नहीं होंगे। MS संजय का आपको ध्यान रखना है, लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे, 3 ओवर बॉलिंग भी डाले थे बट सिलेक्शन ही नहीं है, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी के मणि भारती काफ़ी अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन में, इनका सिलेक्शन भी काफ़ी हाई है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। R श्रीनिवासन बहुत अच्छे बैट्समैन है, आप ट्राई कर सकते हो। R विवेक कभी कभी बॉलिंग डालते हैं, कभी कभी बैटिंग से परफॉर्मेंस दे देते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं रहता, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा बॉलिंग नहीं डालते हैं, बैटिंग से ही परफॉर्मेंस देंगे अगर देंगे तो। ठीक है, बाकी M हरिहरन जो कि मिडिल ऑर्डर में आके ज़्यादातर केसेस में रन्स बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 32 नॉट आउट यहाँ पे बॉलिंग भी किए हैं 3 ओवर, यहाँ पे 1 ओवर, लास्ट 2 मैचेस से बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, S स्वामीनाथन जो कि कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट। ठीक है, तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। बाकी M सिलंबरसन 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेटलेस गए थे बट हर मैच में लगभग ये 1 विकेट निकालते ही हैं, तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो, डिपेंडेबल ऑप्शन है। R सुतेश देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, R सुतेश इंपॉर्टेंट होंगे। जी सिंह, अब जी सिंह देखिए लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे कोई भी विकेट नहीं, यहाँ पे कोई भी विकेट नहीं, ये बंदा कंसिस्टेंटली 4 ओवर कर रहा है हर एक मैच में। इसके पहले वाले जो भी 2 मैचेस ये खेले हैं वहाँ पे भी 4-4 ओवर किए हैं, एक मैच में 2 विकेट निकाले थे, उससे ज़्यादा ये 1 भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं। ज़्यादा अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है नहीं बट क्योंकि 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं और डेथ में भी डालते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम है, तो वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी L विग्नेश इनके टीम के मेन बॉलर हैं, कभी कभी एक्सपेंसिव जाते हैं बट विकेट निकाल लेते हैं और हमें फैंटेसी में विकेट्स के ही पॉइंट मिलते हैं, इकोनॉमी का उतना कुछ खास पॉइंट्स नहीं मिलता, मिलता है बट ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हमने जान लिया डिंडीगुल ड्रैगन्स के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से प्लेयर्स कैसे फॉर्म में हैं। अब हम जानते हैं त्रिपुर तमिजैन्स के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले त्रिपुर तमिजैन्स का स्कोरिंग पैटर्न, अब देखिए यहाँ पे इनका और भी बुरा हाल है डिंडीगुल ड्रैगन्स से, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैच 67/7 जो कि अबंडन हो गया था बारिश के कारण, उसके बाद 148/8, 149/7, 110/8, 162/7, 103 पे ऑल आउट। अब देखिए यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये 7-8 विकेट्स लॉस करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इनका स्कोरिंग पैटर्न तो ये ऑन एन एवरेज 145 तक स्कोर बनाते हैं जो कि डिंडीगुल ड्रैगन से थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, तो डिंडीगुल ड्रैगन्स रन बनाने के मामले में त्रिपुर तमिजैन से आगे हैं एंड विकेट्स लॉस करने में भी डिंडीगुल ड्रैगन्स उनसे कम है, तो डिंडीगुल ड्रैगन्स थोड़ा सा बेहतर टीम यहां से साबित होते हैं। बाकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए भी 1 मैच जीते हैं, तो इनको बैटिंग सेकंड दे दो, बैटिंग फर्स्ट दे दो, इनको अपने हिसाब से ही परफॉर्मेंस करना है एंड इनका कुछ अता पता ज़्यादा नहीं रहता। बाकी त्रिपुर तमिजैन्स के लास्ट 3 मैचेस का प्लेयर परफॉर्मेंस अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे S दिनेश ओपनिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 26-39 लास्ट मैच में 1 रन बनाए हैं। S अरविंद को लास्ट मैच में ओपनिंग करवाया गया था, इनका जो रेगुलर ओपनर है जो कि S दिनेश के साथ ओपनिंग करते हैं, S सिद्धार्थ लास्ट मैच में नहीं खेले थे। ठीक है, वो भी ऑन ऑफ टाइप ही प्लेयर है तो इसलिए उनको रेस्ट देके S अरविंद को ओपनिंग करवाया गया था जो कि मिडिल ऑर्डर में एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं जनरली। M बाफना बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस नंबर 3 पे बैटिंग, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेगा। PF रॉकिंस इनके वन ऑफ द मेन बैट्समैन है बट कुछ खास नहीं किए हैं इस साल। ठीक है, A कुडुप्पुस्वामी या कडुप्पुस्वामी जो भी है कंसिस्टेंटली ओवर्स डाल रहे हैं
और 4 ओवर 3 ओवर 2 ओवर करके डाल रहे हैं, प्लस बैटिंग में भी नंबर 4 से 5 तक आ जा रहे हैं, तो ज़रूर से हमें ट्राई करना है। बाकी ए मोहम्मद टीम के कैप्टन हैं, डेथ ओवर में डालते हैं प्लस बैटिंग भी अच्छा खासा करते हैं अगर शुरू में कोलैप्स हो गया तो, और अगर कोलैप्स नहीं होता तो खुद को ये प्रोमोट कर लेते हैं हिटिंग के लिए। तो ज़रूर से CVC चॉइस इस मैच के लिए नंबर 1 ए मोहम्मद, समझ रहे हो। बाकी टी रहेजा विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत नीचे हैं, कुछ खास नहीं किए हैं, आप ज़रूर से अवॉइड कर सकते हो। एक खादर को लास्ट मैच में खिलाया गया, कुछ खास नहीं किए, 0 रन पे आउट हो गए, उसके पहले ये एक भी मैच नहीं खेले हैं इस साल। बाकी आर राजकुमार नंबर मतलब 3-3 ओवर डाल रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली बैटिंग से भी कभी कभी पॉइंट्स दे देते हैं, तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट निकाले थे, ठीक है। बाकी एक क्रिस्ट वाइल बॉलिंग फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ में डालते हैं 4 ओवर 3 ओवर, ठीक है। कभी कभी एक्सपेंसिव जाते हैं बट वही है कि विकेट निकाल जाते हैं, समझ रहे हो। बाकी बैटिंग से भी कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर केसेस में दे ही देते हैं। बाकी एस मोहन प्रसाद जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा की तरह, 2 विकेट निकाले थे 4 ओवर करते हुए, यहाँ पे विकेट मिल नहीं मिला, यहाँ पे भी विकेट नहीं मिला। कुछ खास विकेट टेकर तो है नहीं बट जब लेते हैं 2 या 3 विकेट एक साथ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सरप्राइज स्टैट्स आपको मैं दे रहा हूँ, जहाँ पे डे मैचेस यहाँ पे जितने भी हुए हैं, मतलब दिन के टाइम पे सूरज के नीचे जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं उसका स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 डे मैचेस हुए हैं इस साल TNPL में, जहाँ पे बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम हर बार जीता है। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, फर्स्ट मैच में 165/7 चेज हो गया, 137/6 चेज हो गया, 142/7 भी चेज हो गया एंड 116/8 तो चेज होना ही था, वो भी चेज हो गया, समझ रहे हो। तो फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक रन अगर स्कोर हो भी गया तो भी चेज हो जाता है। और सेकेंड इनिंग में एक चीज़ आप देखेंगे ना कि ये सेकेंड मैच को छोड़ के सेकेंड इनिंग में हर बार कम विकेट गिरता है, फर्स्ट इनिंग में हर बार ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा विकेट गिरता है, ठीक है। जो ये 4 मैचेस को ऑब्जर्व करके मैंने नोटिस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट। यहाँ पे देखो फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, सेकेंड इनिंग में 4 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगा उसके बॉलर्स को आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि चांसेस ज़्यादा है अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगा उनके बॉलर्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि ये मैच दिन के टाइम पे खेला जाएगा, मतलब दोपहर को, तो ये स्टैट्स आपको काम आ सकते हैं, तो ज़रूर से अच्छे से देखना है। अच्छा, रन्स यहाँ पे टोटल 4 मैचेस का मिला के अगर आप देखेंगे तो 1130 बना है एंड विकेट्स कितने गिरे हैं, 48 विकेट्स। हर एक विकेट का अगर हम 25 पॉइंट्स ले लेते हैं LBW एंड जो बोल्ड है उसके बोनस को छोड़ के, जहाँ पे 8+ आपको मिलते हैं उसको मैं छोड़ भी देता हूँ अगर, तो 1211 पॉइंट्स बनते हैं बॉलर्स का। तो बॉलर्स हु कैन बैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस CVC के लिए इस मैच में, एंड बैटर्स में से जो बॉलिंग कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी कंक्लूजन में मैं वही लिखा है कि एक्सपेक्ट बैट सेकेंड टू चेस, क्योंकि सेकेंड बैटिंग वाले टीम ही जीते हैं दिन के मैचेस में, एंड मोर विकेट्स टू फॉल इन द फर्स्ट इनिंग, प्रेफर मोर बैटर्स हु कैन बोल एज वेल। बाकी फिर से बोलूँगा, मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्टैट्स अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद प्रॉपर स्टैट इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम इसी चैनल पे वीडियोस के द्वारा आपको प्रोवाइड करते हैं एंड आपको इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश करते हैं। बाकी इस मैच का टीम जो मैंने बना रखा है वो कुछ ऐसा दिखता है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लॉजिक में बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वैसे ही प्लेयर्स को ट्राई किया है जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेंगे, हार्डली कोई प्योर बैट्समैन है इन दोनों को छोड़ के, जो कि हरी निशान जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी वारती जो दोनों विकेट कीपर हैं उनमें से बेहतर ऑप्शन है, दोनों मैचेस में 30+ किए हैं। हालांकि बाकी एक जो विकेट कीपर है विकेट कीपिंग सेक्शन में ड्रीम इलेवन पे, वहाँ पे वो वाले प्लेयर कुछ खास नहीं किया है, तो इसलिए KM अनिवार्ती सीधा सीधा ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी ये
प्योर बैट्समैन है, बाकी सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूशन देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा टीम कॉम्बिनेशन चुना है। ठीक है, बाकी एम हरिहरन जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन का मैं जल्दी से बता देता हूँ वीडियो को और लंबा ना करते हुए, यहाँ पे एम मोहम्मद सबके कैप्टन होने वाले हैं, मेरे भी यही होने वाले हैं। वाइस कैप्टन में बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा सा रिस्क लोगे ना तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आर सुतेश बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन है, एल विग्नेश भी बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन है, दोनों ही दो दो विकेट ले जाने का जो है हैसियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो ज़रूर से इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से बैटिंग सेक्शन में हरी निशांत बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन है, सी तो नहीं बट मैं वाइस कैप्टन का ज़रूर से बोलूँगा, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही तीनों में से आप ट्राई कीजिएगा सीवीसी बनाने का। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।